हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए कौन से स्किल्स यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट पे काम करने के लिए कुछ आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए और इस पोस्ट की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब कुछ कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर होने चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनकी सैलरीज कितनी होती है, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इस आदमी को जो है वो मार्केटिंग एलिमेंट्स का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग यानी कि पुराने ज़माने में किस तरीके से मार्केटिंग होता है, और तो और आजकल के नए ज़माने के साथ जो हम SEO मार्केटिंग जिसे कहते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसे कहते हैं, तो इस तरीके की मार्केटिंग कैसे करनी है, इन दोनों का ही उसको ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर दोनों तरीकों से मार्केटिंग जो है वो जारी है। साथ ही साथ दोस्तों डाटा एनालिटिक्स टूल्स और साथ ही साथ मार्केट रिसर्च, इन सभी का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर इनकी जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ हैं वो तय की जाती है। तो एक अच्छा मार्केट रिसर्च करना आना चाहिए, साथ ही साथ डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि डाटा एनालिस्ट से आपको पता चलता है कि आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है, साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट जो है वो अभी मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके सेल्स में कुछ बढ़ोतरी आई है या गिरावट आई है, ये सब कुछ आपको डाटा एनालिसिस के ज़रिए वहाँ पर पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों उस आदमी को MS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स और बाकी कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अडोब क्रिएटिविटी सूट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, CRM नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल एडवर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, इसके अलावा वेब एनालिटिक्स नाम की एक वेबसाइट है, इन सभी का ज्ञान उसको होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जो सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको जो है वो आपके काम में बहुत मदद करते हैं, ये डाटा एनालिस्ट में बहुत काम में आते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपका जो है वो कंटेंट कितनी बार व्यू किया गया है, कितनी बार आपके प्रोडक्ट का जिक्र आया है, आपका कैंपेन जो है सोशल मीडिया के ऊपर वो कितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है, ये सब कुछ जानने के लिए इन सारे वेबसाइट्स का और इन सारे सॉफ्टवेयर्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। साथ ही साथ MS ऑफिस जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बेसिक होते हैं, जिसके ऊपर सारे ही काम लगभग होते हैं, तो उसका भी ऑब्वियसली वहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों HTML, CSS और वेब डेवलपमेंट टूल्स की वहाँ पर नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इनके ज़रिए भी बहुत सा इनका काम होता है, तो इसका भी नॉलेज उनको होना चाहिए। इसके अलावा वो आदमी जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो वेल ऑर्गेनाइज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आदमी बहुत सी बार जो भी पूरी पब्लिकेशन टीम है या पब्लिसिटी टीम है उनके साथ काम करता है, तो इस टीम के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे फिर वो आपके पैम्पलेट बनाने के लिए ग्राफिक बनाने वाले लोग हों, कंटेंट लिखने वाले लोग हों, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हों, तो इन सभी के साथ तालमेल बिठा करके काम करना ये इसका जॉब का प्राइमरी हम कहें कि रिक्वायरमेंट होता है। इसकी वजह से उसको वेल ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से ये पूरा वर्क बैलेंस जो है वो मेंटेन रखा जाए और किस तरीके से अपने कैंपेन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाए, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये। ऐसे आदमी को कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड रिटर्न ये दोनों ही अच्छे होने चाहिए, यानी कि उसके जो संवाद कौशल है वो भी अच्छा होना चाहिए और वो जो कुछ भी लिख करके संवाद करता है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों ही अच्छे वहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा वो आदमी डिटेल ओरिएंटेड वहाँ पर होना चाहिए। तो डिटेल ओरिएंटेड से मेरा मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों का उसको ध्यान होना चाहिए, तो ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी साबित होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में कुछ गड़बड़ी है या वहाँ पर कुछ अल्फाजों को बदलने की ज़रूरत है या आपके पैकेजिंग के अंदर कुछ अलग
कलर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन सभी के लिए आपको चाहिए अटेंशन टू डिटेल, डिटेल ओरिएंटेड आदमी चाहिए जो कि छोटी छोटी बातों को समझ सके। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि डिटेल ओरिएंटेड आदमी होना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपको बहुत जगहों पे काम में आते हैं। सबसे पहली बात तो आप आपके टीम को अच्छे तरीके से ये कन्वे कर पाएंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमें ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, किस तरीके से लोगों को जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमारे ऐड के अंदर किस तरीके की टैगलाइंस होनी चाहिए, किस तरीके का जो है वो कंटेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो इनके पोटेंशियल बायस होते हैं उनके साथ भी ये लोग जो है वो हमेशा टच में रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप बाय करके देखिए, या कोई रिटेलर है तो उनके साथ ये लोग बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स आप आपकी दुकान में रख कर देखिए, देखते हैं कैसा आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है आपके ग्राहकों से। तो इस तरीके से लोगों को कन्विंस करने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स खुद के अच्छे होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों उसको कमर्शियल अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड होना भी ज़रूरी है। तो कमर्शियल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एडवर्टीजमेंट के भी कुछ एथिक्स होते हैं, तो क्या क्या इससे रिलेटेड लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इस सभी का जो है वो नॉलेज उसको होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका अप्रोच जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कमर्शियल होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि उसका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। तो देखिए ये एक क्रिएटिव फील्ड है एडवर्टाइजिंग, तो नए नए तौर तरीकों से हम लोगों तक कैसे पहुँचें, हमारी एड्स नए नए तरीकों से कैसे करें जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, इसके लिए आपको एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिएटिवली सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें अगर हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन में अगर आपका वहाँ पर एड पीआर में कोई कोर्स हो रखा है या आपने एमबीए किया है उसके अंदर, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने बीबीए किया हुआ है और बाद में आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन और कर लिया, तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी थ्रू आउट पढ़ाई जो है वो 12वीं कक्षा के बाद इसी में हुई है, तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगली बात है एक्सपीरियंस। तो क्या एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो हाँ मिलता तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर फ्रेशर्स की कोई जगह नहीं है। ये इंडस्ट्री के अंदर मेनली आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके का काम है ये देख करके आपको जो है वो काम पर रखा जाता है। जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा या स्ट्रांग होगा। तो इसकी वजह से एक्सपीरियंस लोगों को तो लिया ही जाता है क्योंकि उनके पास कुछ काम करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो लोग फ्रेशर्स हैं जिनका काम बढ़िया है उनको भी यहाँ पर एक्सेप्ट ज़रूर किया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।